चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है 180 अंश यानी कि संपूरक कोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? तो किसी भी वृत्त में ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर छुए, अंदर अंदर वृत्त की परिधि पर छुए, उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो पार्श्व चित्र 13.46 में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना की गई है। विकर्ण ए सी, विकर्ण मतलब होता है कि चतुर्भुज में एक कोना से दूसरे कोना को मिलाना, उसको बोलते हैं विकर्ण। जी तो ए सी नाम का विकर्ण है और बी डी नाम का विकर्ण है। यदि ए सी बी ये वाला एंगल जो 55 अंश है, बी ए सी यानी ये वाला जो 45 अंश है, तो ए डी सी का आपको मान ज्ञात कीजिए। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम एक चित्र बना करके फिर से इसको करने का प्रयास करेंगे। पहले एक चित्र बनाया सर्कल यानी कि वृत्त, और वृत्त में पता लगा कि एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी नाम का चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें एक विकर्ण है ए सी, तो जो ये वाला एंगल है यह 55 अंश 55 डिग्री, और जो ये वाला है वो है 45 अंश। फिर कह रहा है कि ए डी सी यानी कि इस वाले कोण का मान ज्ञात करो। ये दूसरा विकर्ण जो बी डी है, इसके खींचने का कोई औचित्य नहीं है, ये वाला विकर्ण खींचे बिना भी ये सवाल लग जाएगा आराम से। देखो जी सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी को हल करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर त्रिभुज ए बी सी में बात बात करेंगे इस वाले त्रिभुज में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिला करके 180 डिग्री बनेगा। जी एंगल ए दिया है 45, प्लस एंगल बी दिया है नहीं दिया है, प्लस एंगल सी दिया है 55, बराबर 180। जोड़े से 5 5 10, 5 4 9 10 प्लस एंगल बी, इसको इसको जोड़ लिए, प्लस एंगल बी बराबर 180। एंगल बी यहीं रहा 180 माइनस 100, 100 उधर गया तो एंगल बी बराबर 80 डिग्री, यानी जो एंगल बी है वो आ गया 80 डिग्री। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था ये वाला एंगल डी वाला। तो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो उसका योग जो है 180 डिग्री होता है, जी यानी कि एंगल बी जो है और एंगल डी जो है इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण है ये। तो एंगल बी पता है 80, लेकिन एंगल डी नहीं पता है जो कि पूछ रहा है, बराबर 180 है। तो एंगल डी बराबर 180 उधर है ये, 80 उधर गया तो -80 हो जाएगा, एंगल डी का मान आ गया 100 अंश। ये एंगल डी पूछ रहा था, एंगल डी क्या ए डी सी पूछ रहा था, इसका मतलब कि एंगल डी ही पूछ रहा था, तो 100 अंश ये हो जाएगा अपना आंसर। अब 7वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी एक वृत्त है जिसकी एक त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है सिंपल सा। अब जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा था वैसा हम एक क्या करते हैं कि एक चित्र बनाते हैं। 7वां प्रश्न में एक है वृत्त, चलो वृत्त बना लिए, वृत्त का एक है केंद्र, केंद्र बना लिए, एक है जीवा और जीवा की लंबाई इसमें दे रहा है 16 सेंटीमीटर। जीवा मतलब होता है कि वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, लेकिन वो केंद्र से ना होकर के जाए। यदि कोई जीवा केंद्र से होकर के जाती है तो वो व्यास कहलाती है, जो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसको यू कैन से ऑल्सो डायमीटर। डायमीटर जो है होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो कुल मिलाकर के जो जीवा है वो है 16 सेंटीमीटर। जीवा का नाम नहीं दिया तो हम नाम दे देते हैं, ए बी नाम का जीवा है जिसका लंबाई है 16 सेंटीमीटर। वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होने का क्या मतलब है कि वृत्त के केंद्र से परिधि की जो जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी है
वो है 10 सेंटीमीटर। जी त्रिज्या मतलब कि केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। जी तो केंद्र से परिधि की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। एक केंद्र से ये जो जीवा है इसकी दूरी बताना है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी निकालते हैं, इसका दरअसल मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये लंब है। जी, और लंब होने का ये मतलब है कि ये वाला जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। जी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जब केंद्र से जीवा पर लंब पड़ता है तो हमें ये भी पता है कि वो जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर खंडों में बांटता है। जी, तो आप लिखेंगे ये ओ है, इसको मान लो एम बिंदु है, ये वाला लिखेंगे ओ एम जो है वो लंब है ए बी पर। अगर लंब है ए बी पर, इसका मतलब ये हुआ कि ए एम की दूरी बराबर होगी बी एम की दूरी के। जी, और दोनों बराबर होगी पूरे के आधे के, यानी कि 16 का आधा यानी कि 8 सेंटीमीटर। जी, मतलब कि ये जो दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना है? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, मतलब कि कर्ण पे बना वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर। जी, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब कि 10 का स्क्वायर बराबर होगा 8 के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 बराबर 8 के स्क्वायर यानी कि 64 प्लस लंब का स्क्वायर मतलब कि लंब का स्क्वायर। अब 100 64 इधर आया तो -64 बराबर लंब का स्क्वायर, तो 100 में से 64 गया आ जाएगा 36 बराबर लंब का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और तो खाली लंब रह गया, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 सेंटीमीटर बराबर लंब। यही लंब हमें पूछ रहा था, लंब क्या दूरी पूछ रहा था, दूरी लंब के रूप में है तो लंब 6 सेंटीमीटर है, यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेंटीमीटर है। जी, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। 8वां प्रश्न है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा उसमें कह रहा है वैसा हम एक बार चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न ये था, 7वां। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो सबसे पहले तो एक वृत्त है, छोटा सा वृत्त बना ले चलो। इसकी जो जीवा है इसका जो ये त्रिज्या है, जितना लंबा त्रिज्या है उतना ही लंबी जीवा है, जितनी लंबी त्रिज्या है उतनी लंबी जीवा है। ऐसा प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्या और जीवा दोनों बराबर हैं, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस जीवा द्वारा, यानी जीवा के दो बिंदु हैं ये वाले और ये वाले, जी। इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है, यानी कि इसको भी ऐसे मिलाओ, इस वाले बिंदु से भी केंद्र पर एक कोण बना, तो ऐसे मिलाओ, तो ये जो कोण बना है इसी कोण का आपने मान ज्ञात करना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रिक एंगल दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ ए जीवा। इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। अब प्रश्न में ये चीज कहा है कि ओ ए जो है यानी कि त्रिज्या जो है वो दूसरे वाले त्रिज्या, यानी दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और दोनों त्रिज्याएं जो है वो जीवा के बराबर है, यानी कि ए बी के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब है तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये बराबर, ये बराबर, ये। जब तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की एक क्वालिटी और होती है कि उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाले त्रिभुज में देखें तो एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी तीनों जोड़ करके 180 बनता है किसी भी त्रिभुज में। जी, एंगल ओ का वैल्यू हमें निकालना है तो एंगल ओ वैसे रहने दो, प्लस
एंगल ए के स्थान पे एंगल ओ लिख दें क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, एंगल ए बराबर एंगल ओ। एंगल बी के स्थान पे भी एंगल ओ लिख दें क्यों, क्योंकि एंगल बी भी बराबर है एंगल ओ के, इज इक्वल टू 180। तीन बार एंगल ओ बना, यानी कि 3 एंगल ओ बराबर 180, तो एंगल ओ बराबर 180 अपॉन 3 नीचे आ गया, तो एंगल ओ बराबर 60 डिग्री। यही हमें निकालना था, ये हमारा आ गया आंसर जी, यानी केंद्रीय कोण होगा 60 अंश। नौवां सवाल है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए, इस जीवा की लंबाई नापकर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो जैसा जैसा कह रहा है उसमें वैसा वैसा हम एक पहले चित्र बनाते हैं कि एक वृत्त है, सर्कल है, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी वृत्त में जो त्रिज्या है वह 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। इस वृत्त की दो जीवाएं, इस वृत्त के केंद्र से 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां से मान चलो कि ये दूरी पे 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींचिए, तो यहां से एक जीवा ऐसे खींच दिया। इस जीवा की लंबाई ज्ञात नाप कर ज्ञात कीजिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। तो कुल मिलाकर के जो जीवा है ए बी नाम की, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि ओ ए त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर हमें दिया है और ये जो लंब है 0.7 सेंटीमीटर दिया है, इस बिंदु को एम बोल लेते हैं, तो ये लंब है मतलब कि 90 सेंटीमीटर है, सॉरी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस हमें निकालना है ए बी, तो ए बी निकालने के लिए अगर ये निकल आएगा तो ये दूरी बराबर ये दूरी जी, तो मान लो ये 5 आ गया तो 5 × 10 ये हो जाएगा पूरा जी। तो ये दूरी हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे कि इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण यानी कि 2.5 का स्क्वायर बराबर होगा लंब यानी कि 0.7 के स्क्वायर प्लस आधार यानी कि ए एम के स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये जो 2.5 है इसको अगर हम निकालें इसका वर्ग तो हो जाएगा 625 जी, 625 लेकिन दो गिनती के बाद दशमलव यानी कि 6.25 होगा। जब 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो 625 आएगा और दो गिनती के बाद दशमलव लगाएंगे तो 6.25 होगा। ऐसे ही बराबर 749 करेंगे तो एक और दो, दो गिनती के बाद दशमलव लगाएंगे यानी यहाँ पर, तो इससे पहले 0 प्लस ए एम का स्क्वायर, तो 6.25 ये 0.49 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा बराबर ए एम का स्क्वायर, तो घटा लो इस तरह 15 × 9 हो गए 6, 11 × 4 के साथ और 5 बराबर ए एम का स्क्वायर। ये जो 576 होता है ये तुम्हारा किसका स्क्वायर होता है, जो 25 का है वो तो 625 है, 24 का स्क्वायर होगा, यानी कि हम ए एम यही रहने देंगे, स्क्वायर रूट में 5.76 करेंगे तो यह आ जाएगा 24 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। यह आ गया ए एम, ए एम मतलब केवल इतना ही आया है अर्ध जीवा, तो पूरे जीवा की लंबाई यानी कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, ए बी की लंबाई होगी 2 × 2.4 सेंटीमीटर यानी कि 4.8 सेंटीमीटर जी, यह जाएगा ए बी यानी कि जीवा की लंबाई होगा 4.8 सेंटीमीटर आंसर। 11वां सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, निम्नांकित आकृति में एंगल पी क्यू आर, पी और ये क्यू और ये आर 100 अंश का है, ये कोई रंग दिया इसको, ये क्यू है, पी क्यू आर ये 100 अंश है, जहाँ पी क्यू तथा आर केंद्र हैं, पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, तो पी क्यू आर ये बिंदु हैं, इसको चक्रीय बिंदु बोल सकते हैं, तो एंगल ओ पी आर ज्ञात कीजिए,
ओ पी आर, ये जो छोटा वाला एंगल है इसी को आपने ज्ञात करना है। अब एक चित्र हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि इसको लगाएं आराम से। एक है वृत्त, और वृत्त में एक है केंद्र ओ, और एक बिंदु है पी, एक बिंदु है क्यू और एक बिंदु है आर। आर जो है वो है 100 डिग्री। तो आपको ये वाला जो एंगल है ये बताना है, दिस एंगल पी यू हैव टू फाइंड आउट। तो कैसे लगेगा, अगर ये चित्र समझ में आ गया होगा तो आराम से लग जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एक हम रचना रेखा खींचेंगे। ये जो दो बिंदु हैं ये पी और क्यू, यहाँ से एक रचना रेखा ऐसे खींचे नीचे। अब सवाल इसको हल नहीं करेंगे, खाली ऐसे बता दे रहे हैं। ये 100 है तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ए, इसको मान लो टी नाम देते चलो जी। तो आर क्यू टी पी, तो एंगल आर और एंगल टी दोनों जोड़ करके 180 बनेगा चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये 100 है तो ये ऑलरेडी 80 बन जाएगा आराम से जी। अच्छा एक चीज, एक फार्मूला जो कक्षा 10 में हम पढ़ते हैं कि कभी भी जब ऐसी आकृति बनती है, केंद्रीय कोण ये वाला है और इसी जीवा के दो बिंदुओं द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई कोण बन रहा हो इस टाइप से, जैसे कि ये 80 बन रहा है, तो ये जो केंद्रीय कोण है ये इस परिधि वाले कोण के दोगुना होता है, यानी कि ये वाला जो कोण है वो बन जाएगा 160 डिग्री। ये 80 है तो ये बन जाएगा 160 डिग्री, 160 अंश। अच्छा अगर ये 160 अंश बन गया है तो ये वाला और पी वाला और क्यू वाला जुड़ करके बनता है 180 अंश। 160 ऑलरेडी हो गया है तो 20 अंश और बचा 180 होने में। अब पता है कि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, केंद्र से जीवा की दूरी परिधि की दूरी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब कि ये भुजा बराबर है, इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण भी बराबर है, कुल मिला के 20 अंश बचा ही, मतलब कि 10 अंश ये हो जाएगा, 10 अंश ये हो जाएगा। तो एंगल पी का मान आ गया 10 अंश कंप्लीट। तो ये जाकर के वृत्त वाला चैप्टर आज पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो है उसको हम विभिन्न पार्ट्स में लेकर के इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें इतना ही, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।